फेस टू फेस सिर्फ R9 भारत पर। R9 भारत में फेस टू फेस की पेशकश पर आज फिर से एक नए चेहरे, एक नई शख्सियत को लेकर फिर से कई सवालों पर सफाई ली गई, जिसमें जौनपुर की समाजवादी युवजन सभा के पूर्व उपाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव अपने शीर्ष नेतृत्व का पक्ष मजबूती से रखे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने महबूब नेता अखिलेश यादव का इशारा ही काफी है कार्यकर्ताओं के लिए, उन्होंने यह साफ शब्दों में कहा। तो सुनिए जौनपुर सपा के चंद्रशेखर को। नमस्कार, मैं केसी मिश्रा और आप देख रहे हैं R9 भारत। हर रोज एक नई रिपोर्टिंग, एक नए उमंग के साथ जब हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट करने को निकलते हैं तो किसी न किसी एक शख्सियत विशेष का भी मन में ख्याल रहता है, जिक्र ये रहता है और मन भी चाहता है कि उन लोगों को हम क्यों न सबके सामने लाएं, उनकी जो मन की बात है। जैसा कि हमारे देश के PM भी ये कहते हैं कि मन की बात हम रेडियो पर करते हैं, लेकिन हर देश के हर प्रत्येक नागरिक की, उस आवाम में बैठे हर शख्सियत, ये जो आम जनमानस में हर नागरिक सोचता है कि हम भी अपने मन की बात क्यों नहीं कह सकते, तो जिसके लिए R9 भारत जैसा न्यूज़ चैनल लोगों तक पहुंचता है और उनके मन की भी बात लाता है सबके सामने। आप हमें देख रहे हैं एक समाजवादी पार्टी के नेता के साथ और इनका परिचय ये स्वतः देंगे, इन्होंने क्या कार्य किए हैं समाज के लिए जिससे इन्हें समाजवादी होने पे बहुत गर्व है। इन्होंने बताया कि मैंने समाजवादी पार्टी को अपना जीवन समर्पित किया और पिछले 20 साल से मैं पार्टी में बना हुआ हूँ और लगातार समाज के प्रति समरसता वाला रुझान रखता हूँ। केसी मिश्रा आज इनसे रूबरू और कराने आए हैं, जी जो खुद को मुखातिब कराएंगे आप लोगों से। सर, अपना परिचय पूरा हमारे दर्शकों को दे सर। सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ जी, धन्यवाद देता हूँ कि आज आप हमारे यहाँ पधारे हैं। और मेरा नाम चंद्रशेखर यादव है जी, मैं मल्ली का रहने वाला हूँ, जरूर ग्राम सभा का जी। और मैं समाजवादी पार्टी मैं तब से हूँ जब से समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई है। मैं उसी समय से समाजवादी पार्टी 1992 जी 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 और समाजवादी पार्टी में मैंने काम किया और समाजवादी पार्टी के यूथ संगठन के तमाम पदों पर रह करके मैंने काम किया। समाजवादी योजन सभा का मैं जिला सचिव भी रहा और महासचिव भी रहा और समाजवादी योजना सभा का जिला उपाध्यक्ष भी रहा और साथ साथ व्यापार सभा का जिला महासचिव भी रहा। वर्तमान समय में भी मैं सेक्टर का भी कार्य देख रहा हूँ। समाजवादी पार्टी का जो भी नियुक्ति है, जो निर्देश है, जो भी कार्य है मैं उसको कर रहा हूँ। और जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का जो भी निर्देश होता है उसका पालन करते हुए उनके नीतियों को, उनके जो भी किए गए हैं कामों को जनता तक पहुंचाने का काम करता हूं और जनता में सेवा भाव से जनता की सेवा। चंद्रशेखर जी यहां पर रोकना चाहूंगा, आप ये हमारे दर्शकों को बताएं कैमरे पर कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, 7 विधानसभाओं का उपचुनाव था प्रदेश में लेकिन वो नदारद रहे, उनकी कोई एक सिंगल सभा नहीं हुई, इसका कारण नहीं ऐसा है कि नदारद नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा था कि जिसको अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं होता है वह क्षेत्र में दौड़ा करता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री जी हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जी, उन्होंने 2 बार दौरा किया, उनको अपने लोगों पर भरोसा नहीं था जी। और उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने दौरा किया। तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर आए मल्ली विधानसभा में और 7 विधानसभाओं में दौरा किए। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा था और वह लड़ाई जो है अपने कार्यकर्ताओं की बदौलत जीता। आपको नहीं लगता कि 7 विधानसभाओं में मात्र आपने मल्ली पर विजय हासिल कर की है और 6 विधानसभा आप हारे हैं, बिना सेनापति के सेना नेतृत्व विहीन मानी जाती है? नहीं ऐसा कुछ नहीं बात है, जब उसकी सेना जब मजबूत रहती है तो सेना
का जो सेनापति होता है वो कहीं बैठ करके भी सेना का संचालन कर सकता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां रह करके भी कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन करते रहे हैं, बराबर कार्यकर्ताओं से बात करते रहे हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं बूथ प्रभारियों तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनसे फोन पर जो है ऑनलाइन वीडियो कॉल करके भी बात की है। आप ये बताइए, एक और प्रश्न बनता है इसमें, अब आपको लगता होगा कि ये प्रश्न क्यों हो रहा है, ये लाजमी है सर। प्रश्न ये बनता है कि समाजवादी पार्टी जहां विपक्ष में अपनी भूमिका 47 एमएलए के साथ निभा रही है सदन में, पूरे प्रदेश में, सूबे में जो भी राज कायम है 325 एमएलए उनके पास, लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जैसे कि कई बड़ी घटनाएं हुई हैं जिससे असंतोष व्याप्त हुआ है, इस बात को तो कहीं ना कहीं लोग मानने लगे हैं, लेकिन एक बड़े जन आंदोलन का आगाज कब होगा जो विपक्ष करेगा? देखिए, विपक्ष जन आंदोलन कर रहा है ऐसा कुछ नहीं है, सड़कों पे लोग नहीं उतरे, सड़कों पर देखिए अब सड़कों का कर केवल सड़कों का उतरना ही नहीं है, हमको अब जनमानस के बीच में जाना है। देखिए, ये अभी सड़कों पर जो हमारे कार्यकर्ता उतरते हैं तो विशेषकर टारगेट कर दिया जाता है, ये जो सरकार है उनके ऊपर फर्जी मुकदमे ला देती है, तो हमारा एक मिशन एक अलग चल रहा है कि हम जनता को इनकी कुरीतियों को बताने का काम कर रहे हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता, जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी हमारा संगठन है, सब गांव गांव जा करके जनता के बीच अपनी बातें रख रहा है समाजवादी पार्टी। जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि मुलायम सिंह एक अलग बात थी, उनमें एक अलग तेवर था, वो हर चुनौती को निपटने में सक्षम थे, लेकिन अखिलेश यादव डरपोक और कायर ने, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, नहीं इसके लिए उनकी हिम्मत नहीं है क्योंकि वो हमारे शासन के धार का सामना कर पाए। देखिए, उनके शासन का, उनके भ्रष्टाचार का जनता जानती है, और ये ऐसा बात नहीं है, जो डरपोक होते हैं वो खुद दूसरों को डरपोक समझते हैं, अगर उनको डर नहीं होता तो वो दो दो बार यहाँ के मल्ली विधानसभा में आते, आप बताइए। नहीं, ये तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी एक की पार्टी नहीं है, ये कैडर की पार्टी, कैडर बेसिस की, और उनको ये आदेश किया गया होगा, निर्देश दिया गया होगा कि आप अपने प्रदेश में जितने चुनाव हो रहे हैं विधानसभाओं में उतने में दौरा करें, लोगों तक जाएं, जनसभाओं को संबोधित करें, लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नदारद रहते हैं, ये काफी आलोचना का विषय भी रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आलोचना का विषय जो भी आलोचना जिसको करनी होती है वो करता है, उसको कोई कोई वो खुल सकता है, इस पे कोई और नहीं, आपके ही पार्टी के वरिष्ठ कहते नजर आए। देखिए, हमारे पार्टी के वरिष्ठ बुजुर्ग का उनका अपना विचार रहा होगा, जो भी कहते रहे, लेकिन मैं तो देखता हूँ कि जो भी है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिशा निर्देश अपने कार्यकर्ताओं को देते रहते हैं, समय समय पर जो है जन आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 2022 के लिए क्या सोचा है आप लोगों ने? अभी 2022 के लिए अभी आपको कुछ नहीं बताएंगे। नहीं नहीं भैया, रणनीति नहीं बताइए, लेकिन ये है कि अगर गवर्नमेंट में आते हैं तो क्या कुछ करना है? हाँ, गवर्नमेंट में आते हैं जिस तरीके से जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो हमारी थी, जो समाजवादी पार्टी ने जो पेंशन लागू किया था, समाजवादी पेंशन, जो कि अब 2000 रुपये अगर हमारी सरकार बनेगी तो वो समाजवादी पेंशन जो है 2000 रुपये कर दिया जाएगा, और सभी जिसका योजनाएं थी उसकी पुनरावृत्ति जी, हाँ, पुनरावृत्ति, नौजवानों को बेरोजगारी का भत्ता दिया जाएगा, और तमाम कल्याणकारी कार्य हैं जो कि रुके हुए हैं, जो कि सरकार लूट घसूट में जुटी हुई है, अब काम नहीं कर रही है और केवल नाम बदल रही है, तो हमारी सरकार आएगी तो पुनः जो है छात्रों, नौजवानों, किसानों तो आप लोगों ने सुनी लिया होगा। और ये थे हमारे साथ जौनपुर के यूजन सभा समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला महासचिव, पूर्व जिला उपाध्यक्ष चंद्रशेखर जी, इनको चंद्रशेखर रावण नहीं समझिएगा क्योंकि वो अलग पार्टी के चीफ हैं, लेकिन इनको इस नाम पे गर्व होना चाहिए क्योंकि एक क्रांतिकारी का भी नाम चंद्रशेखर था, जिन्होंने बकायदा ब्रिटिश हुकूमत को नाको तले चने चबवा दिए थे और अपनी ही गोली से अपनी मौत पसंद किए, लेकिन दुश्मनों की गोलियां उन्हें पसंद नहीं थी, उन्हें झुकना अच्छा नहीं लगता था। वीडियो जर्नलिस्ट केसी मिश्रा के साथ R9 भारत की ये रिपोर्ट।